Directorate of Distance Education, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. MA Tariq, Sal Duvam ke Aziz Talibao Talibat. Is Talimi program mein aapka khair magdam karta hoon. Aaj ka unwan hai Vijayanagar Sultanat ki siyasi tariq, ek mukhtasar jaiza. इसको हम एक गुफ्तगू के जरिए से समझने जा रहे हैं गुफ्तगू में शामिल होने के लिए एक मशहूर मुवारिक प्रोफेसर डॉक्टर दानिश मुइन जो सदर हैं शोबाए तारीख मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वो मौजूद हैं आप न्यूमिस्मैटिक्स के माहिर हैं इन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली के सिक्कों की तारीख को बाहर निकाला और हाल ही में तेलंगाना हिस्ट्री कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने हैं तो हम इस तालीमी प्रोग्राम में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर दानिश मोइन साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो आज का हमारा ये उन्वान है विजयनगर सल्तनत की सियासी तारीख लेकिन तारीख तो इसकी बहुत बड़ी है लेकिन हमें इसका एक मुख्तसर जायज़ा लेना है तो हम इसमें छह सवाल आपसे करने जा रहे हैं तो पहला सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान की तारीख में विजयनगर सल्तनत की क्या अहमियत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम ये जान लें कि क्या अहमियत है आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने कॉलोनियल हिस्टोग्राफी पढ़ी है और उसमें आपने ये तय कर दिया है कि अहद वस्ता का मतलब मुसलमानों का दौर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मतलब अंग्रेजी नवाबादिया के दौर में जो तारीख लिखी गई बिल्कुल सही बताया आपने तो हमने ये समझ लिया है कि अहद वस्ता का मतलब हो गया मुसलमानों का दौर जो हम लोग इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ऐसी चीज़ नहीं इसका सबसे बड़ा सबूत आप अहद वस्ता की बात कर रहे हैं और इस अहद वस्ता में विजयनगर का एम्पायर का कहना तो इसका मतलब ये है कि अहद वस्ता में पूरा हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों के कब्जे में नहीं था बिल्कुल यहाँ गैर मुसलमान शहनशाह भी काफी मौजूद थे यही बात आप कहना चाह रहे हैं यही कहना चाह रहे हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें मैंने यही बताया कि विजयनगर एक अच्छे एरिया में कंट्रोल कर रहा है बड़े एरिया में कंट्रोल कर रहा है और इनके अलावा और भी ककटियास भी थे इससे पहले भी थे तो ये जो इन लोगों ने बना कर रख दिया है इस चीज़ की मैं बिल्कुल अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ तो ये आपका एक सबूत है यही सबसे बड़ी अहमियत तो ये जी और इसकी अहमियत को देखना है तो आपके पास सबसे बड़ा हम्पी इसका एक ऐसा रास्ता है जाके चले जाइए हम्पी और देखिए इनकी खूबसूरती को देखिए इनकी तहजीब को समझिए इनकी कला को समझिए और इनकी आर्किटेक्चर को हम्पी जो कर्नाटक में है बेशक 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 माजी और हाल के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है इस बात को जान के आप काफी खुश होंगे कि किस तरह तारीखी जहनियत आज के लोगों में है आंध्र प्रदेश में एक इलाका है उसको रायलसीमा कहते हैं जी बेशक बेशक ये बंटवारा जो हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो पहले ये आंध्रा रायलसीमा और तेलंगाना था तो ये रायलसीमा रीजन है कड़पा कर्नूल चित्तूर अनंतपुर बेल्लारी जो बाद में कर्नाटक में चला गया ये रायलसीमा इलाके को विजयनगर सल्तनत की यादगार में वहाँ के लोग अपने रीजन को रायलसीमा बुला रहे हैं अच्छा अपने आप को रायलसीमा कहना अपने आप में विजयनगर सल्तनत की अहमियत को दिखाता है ये एक सबसे बड़ी सबूत है बिल्कुल इतनी अहम खानदान जो हिंदुस्तान के ओहदे वस्ता में यहाँ हुकूमत की इसकी तारीख को जानने के लिए हमारे पास क्या माखज हैं और जी किस किस्म के माखज हमारे पास मौजूद हैं बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि जब हम तारीख के स्टूडेंट से बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे तारीख के स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए हम जिस पीरियड को पढ़ रहे हैं जिस वस्ता को अहद वस्ता हो या कदीम हिंदुस्तान की तारीख हो तो हमें सबसे पहले अपने माखज को देखना चाहिए जी तो अगर आप विजयनगर के माखज की बात कीजिएगा तो हम इसको चार हिस्से में बांटना चाहते हैं एक कन्वीनियंट के लिए बच्चों को समझ जनरली ब्रॉडली इनको आराम से समझ में आ जाए तो पहला अगर आप कहिएगा कि पर्शियन सोर्सेस कर लीजिए आप
चूँकि आधे वस्ता में पर्शियन सोर्सेज बहुत चलती है, तो पर्शियन सोर्सेज पर अगर हम बात करते हैं तो एक किताब है जिसका बहुत मशहूर नाम है फतुहुस सलातीन, जो इसामी की है। तो इसामी चूँकि ये किताब यहीं लिखे हैं, कंटेम्प्रेरी है, अहमद शाह के पीरियड में लिखी गई है और इसी डकन में लिखी गई है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें अवेलेबल मिलती है। हालांकि वो बहमनी पर किताबें हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल जाती है, इनके बारे में भी जिक्र मिलता है, अलग अलग टाइम पर कहीं कहीं पर रेफरेंस मिल रहा है। फरिश्ता एक बड़ा मशहूर नाम है, आप सब जानते होंगे, जिनकी किताब है तारीख फरिश्ता, किताब का नाम है गुलशन इब्राहिम है लेकिन हम लोग तारीख फरिश्ता के नाम से जानते हैं, तो तारीख फरिश्ता में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको विजयनगर के, क्योंकि ये वो शख्स है जो इस इलाके को देख रहा है, इस इलाके को जान रहा है, इस इलाके में आ रहा है जी। तीसरा और एक नाम और है, हालांकि वो ट्रेवलर है लेकिन चूँकि हम लोग पर्शियन के हैं तो मैंने उसको यहीं पर लेना चाह रहा है, इब्ने बतूता का नाम सुना होगा आपने जी। इब्ने बतूता मोरक्को से आए थे, बेहतर बेहतर बिल्कुल सही बताया आपने, जिन्होंने रेहला, इनकी किताब है तो रेहला में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कई खास करके सोसाइटी एंड कल्चर को जब आप पढ़ेंगे इनके तो उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं कहीं पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी दिया है इन्होंने, तो इब्ने बतूता एक आपका सोर्स बनता। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हालांकि वो ट्रैवलर है जो कि मैंने उसका ट्रैवलर में ही बताना चाहता हूँ, तो आप तीन किताब को तो पकड़ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है जो हम पर्शियन में देना चाहते हैं। दूसरा जो कैटेगरी बनेगा आपका वो आप ट्रैवलर अकाउंट कर दीजिए, ओके, क्योंकि ट्रैवलर अकाउंट आपका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है इस पीरियड के लिए, जो उन्होंने देखा वो उस, अगर वो ट्रैवलर हटा दीजिएगा आप तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। इसमें तीन चार नाम है जिसको हम जानना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए। पहला नाम जो है जो अब्दुल रजाक का भी आप नाम रख सकते हैं कि पर्शियन से आए थे अब्दुल रजाक साहब, और उनकी किताब भी बहुत माने रखती है और बड़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनकी किताब से आपको मिलेगी। दूसरा जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, यूरोपियन सैयारे हैं जो ट्रेवलर हैं, उसमें आपने नूनिस का नाम सुना होगा जी। नूनिस को अगर आप पढ़ेंगे तो नूनिस आपके लिए डिटेल अकाउंट देता है किसके बारे में, विजयनगर के बारे में। इसी तरह से अगर आप पेस को बोलेंगे, पेस तो मतलब डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस, पेस को अगर देखेंगे तो हम्पी को अगर समझना है आपको जी, तो आप बिना पेस के नहीं समझ सकते जी। जितना डिटेल उसने हम्पी के बारे में लिखा है वो बेस्ट किताब माना जा रहा है उस कोर्स के लिए। बारबोसा, चूंकि पुर्तगाल की बात करेंगे, बारबोसा की इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट मिल रही है आपको इस पीरियड में, तो ये तीन तो लोग ऐसे हो गए जिनकी इन्फॉर्मेशन पर हम बेस कर रहे हैं, और हम जो भी हिस्टोरियन है जिन्होंने किताब लिखी है, जो बड़े मौरखीन है जो विजयनगर पर काम करने वाले हैं, इन्होंने उसको कंसल्ट किया। तीसरी कैटेगरी की जो किताब आ रही है इसको हम ये बोल सकते हैं कि इंडिजिनस लैंग्वेजेस में जो किताब मिली, जो यहाँ के लोगों ने लिखी, जो यहाँ के लोगों ने लिखी, इसमें सबसे अहमियत की चीज़ मैं जो मानता हूँ, हालांकि मैं वो किताब बाद में आई है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम जब मुग़ल पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि मुग़ल वो डायनेस्टी, सोर्सेज पर जब बात करते हैं कि मुग़ल वो डायनेस्टी है जिसके दो बादशाहों ने किताब लिखी जी, और जब बादशाह किताब लिखता है ठीक है वो बायस एक अलग चीज़ है लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको करेक्ट मिलती है जी। अगर उसके बारे में हमें यहाँ पर एक बादशाह की लिखी हुई किताब है जो कृष्णदेवराय बेहतर आमुक्तमाल्यदा को लिखा है, आमुक्ता को लेकर जो आपने कहा वो किताब जो है वो एक हमारा सोर्स है, कृष्णदेवराय की आमुक्तमाल्यदा बहुत अहम किताब है और ये तेलुगु की वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है लिटरेरी सर्किल में, जो तेलुगु जुबान में लिखी, जी जी तेलुगु जुबान में लिखी, वो लोग संस्कृत जुबान में लिखी है, हाँ लिखी संस्कृत में, लेकिन इनको इज्जत इतनी दी जाती है खास करके जो एकेडमिक्स वर्ल्ड में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन खाली किताब नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन इनके लैंग्वेज पर भी है, तेलुगु लैंग्वेज पर, हाँ इसीलिए कृष्णदेवराय को आंध्र भोजा का आंध्र भोज क्या करते हैं। अब एक बात तो ये हो गई, दूसरी किताब का नाम आप लीजिए मनुचरित्रम, हाँ ये वो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गजा नाम के आठ शायर हुआ करते थे, उनमें से सबसे अव्वल दर्जे के, सबसे बुलंद उनका नाम आता था अल्लासानी पेद्दना, जिन्होंने मनुचरित्रम को, तो ये दूसरी किताब हो गई जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देती है। और तीसरी एक और किताब है गंगादास प्रताप विलसम, जो गंगाधर नाम के आदमी ने लिखा। तो ये तीन चार किताबें ऐसी हैं जो हमें लोकल इन्फॉर्मेशन मुहैया करा रही है, बता रही है। तो अब इसके साथ मैं आपको एक और माखज जोड़ना चाहूँगा, बेहतर बेहतर, जो एक बादशाह की बीवी जंग में जब बादशाह निकला था तो बीवी भी उनके साथ, बेगम भी उनके साथ निकली थी, बुक्का की बीवी
गंगा देवी, गंगा देवी इन्होंने मधुरा विजयम, यस यस मधुरा विजय, मधुरा विजय शुरू के पीरियड को कवर करने के लिए मधुरा विजयम लिखा है। तो वो जंग को आंखों से देखती हुई अपने शौहर को तो उसने खूब बढ़ा चढ़ाकर आसमान में लिखा, लेकिन उस जमाने के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और किस तरह जंग हुआ वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन उस किताब में, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा दिया, हाँ, संस्कृत में यस, लिखा यस, हुआ काव्य है ये, काव्य है। और अहम बात ये है, एक औरत लिख रही है, दैट्स वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बड़ा सेक्शन है जिसको हम लोगों ने बहुत तवज्जो नहीं दी, जो तवज्जो के लायक है, हालांकि अभी हम सोर्स बता रहे हैं, वो इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस। जी, अब इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस में कुछ कॉपर प्लेट को हम लोगों ने यूज किया है, हमारे तवारखदान ने तांबे पे लिखे जाते जी, तांबे के जो पत्ते होते उसमें खुदाया जाता था बाकायदा, ज्यादातर वो लैंड ग्रांट के सेंस में आता था। तो इसमें क्या होता था कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि बादशाह को कौन सा टाइटल दिया गया, बादशाह के लिए कैसे अल्फाज यूज किए जा रहे हैं उसमें। तो उसमें तीन चार का मैं नाम देना चाहूंगा आपके सामने। एक तो ये है जो आप जानते हैं बगापिल्लीज कॉपर प्लेट, इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा है देवीपल्ली कॉपर प्लेट, इसमें आपको इमादी नरसिम्हा के बारे में इंफॉर्मेशन, इमादी नरसिम्हा के बारे में। एक और है चिन्ना राजा पिलकटी करके, जिसमें आपको हरिहर सेकंड की इंफॉर्मेशन मिल रही। जी, तो ये कॉपर प्लेट है। जी, और इसके अलावा कुछ और भी इंस्क्रिप्शन है, और अभी नया रिसर्च जो डेवलप हो रहा है, नया ट्रेंड जो सेट हो रहा है, वो इंस्क्रिप्शन की तरफ तवज्जो जा रही है। क्योंकि हमने जितना बेस करना था सब बेस कर लिया है, नए इंस्क्रिप्शन आ रहे हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि इंस्क्रिप्शन ही अभी रिक्वायरमेंट है आपके लिए सही हिस्ट्री को जानने के लिए और जानने के लिए समझने के लिए पीरियड को। तो विजयनगरा सल्तनत की तारीख को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग किस्म के माखज हैं। एक और आवाज उसमें आप ऐड कर दीजिए, हम हम्पी को जानेंगे आर्किटेक्चर, हम्पी खुद एक आपका सोर्स बन जाता है। जी, जब आप उसकी इमारत को देखते हैं जाकर के, जब आप उसके उनकी तहजीब को समझना चाहते हैं, तो आप हम्पी देख लीजिए। अब तो हम्पी पूरा खंडहर, मगर वो खंडहर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम आर्किटेक्चर को अपना एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं, और ये वो सोर्स है जो झूठ नहीं बोलता। आपके दूसरे सोर्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी दीवारें झूठ, पत्थर झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, पत्थर हमेशा सच कहेगा, वो जो दिख रहा है वो सच बोल रहा है। तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम उसको देखना चाहते हैं। तो ये सल्तनत, जी जी जी, क्या सिर्फ एक खानदान ने हुकूमत किया इस सल्तनत को? अच्छा, या अच्छा। कितने खानदान थे जो इस सल्तनत के हुकूमत को हासिल किया है? जनरली हम ये समझते हैं, जैसे हमने कह दिया विजयनगर, तो हमने समझा कि विजयनगर जो है एक डायनेस्टी रूल की, 200 साल तक हुकूमत करने वाली ये डायनेस्टी है, खानदान है, सल्तनत है, और इस 200 साल में चार खानदानों ने रूल किया है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत जब बोलते हैं तो पांच खानदानों की बात करते हैं, तो मुख्तसर उनके नाम चार में अगर आप चाहिए तो उसमें एक डायनेस्टी है जिसका नाम है संगम डायनेस्टी। जी, जो फाउंडर है जिसका, जो संगम डायनेस्टी, विजयनगर, ये विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने डाली वो वहां से आप शुरू की। संगम डायनेस्टी है जो पहली डायनेस्टी है, और इसमें हरिहर नाम का एक आदमी है और बुक्का दोनों भाई हैं, और इन्होंने 1336 में अपनी बुनियाद डाल दी। 1336 से लेके 1485 तक हुकूमत कर रहा है, 1485। दूसरा खानदान है सुलवा खानदान, सालुआ जिसको सही प्रोनाउंसिएशन सालुआ खानदान। सालुआ 1485 से 1506 तक रहते जी, और इसके फाउंडर जो हैं सालुआ नरसिम्हा, सालुआ नरसिम्हा ये फाउंडर है जिसने इसको बनाया। इसको तीसरी हुकूमत जो आई, जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से विजयनगर आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो तुलवा डायनेस्टी है, तुलवा खानदान। और तुलवा खानदान की शुरुआत होती 1506 से 1570 तक। जी, इनके फाउंडर है वीर नरसिम्हा। जी, इसी खानदान का बादशाह है कृष्णा राजा देव। जी, जो मशहूर बादशाह जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और चौथा खानदान जो इनका आता है, जिसको हम अरिवेदूस कहते हैं, अरिवेदूस खानदान। तो चार खानदानों पर ये तवारीख मुश्तमिल है, ये एक ही खानदान की तारीख नहीं पढ़ी जाती है। हम जब विजयनगर पढ़ते हैं तो हम चारों के बारे में जानते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जैसे दिल्ली सल्तनत में मामलुक वाले आए थे, खालजी आए थे, सैयद आए थे, लोधी आए थे, उसी तरह विजयनगर सल्तनत को भी अलग अलग खानदान के लोगों बिल्कुल ने सही बताया हुकूमत बिल्कुल किया है। बिल्कुल सही। इनमें से मशहूर
देखिए दो बादशाह को बड़ी मेहनत दी जाएगी आप अगर आप बात करें, तो सारे मशहूर हैं, सबने अपने कंट्रीब्यूशन किए हैं, लेकिन एक जनरल स्टूडेंट को समझने के लिए जब आपको पढ़ना है, एक तो आप हरिहर को पढ़िएगा जो फाउंडर है, बुक्का को पढ़िए, हरिहर टू की भी बड़ी इज्जत दी जाती है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उसने लाए हैं, कंट्रीब्यूशन है उसके हिस्ट्री में, एक एम्पायर को अच्छी शक्ल देने में काम आता है हरिहर का। अच्छा, दूसरी बात है कि आप उस वक्त खड़ा कर रहे हैं जिस वक्त दिल्ली जैसी ताकत, एक स्ट्रॉन्ग ताकत बैठी हुई है, उसको दबाना आसान नहीं था, और पहली बार हिंदुस्तान में रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट में ये आदमी कामयाब हो जाता है, दमदार इंसान था, तो ये तो मानना पड़ेगा ना, बिना इसके कैसे हो सकता है भाई। हर आज पीरियड में कोई बादशाह तो नहीं चाहेगा ना कि हम चाहे आप जाइए। यहाँ हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये हरिहरा और बुक्का को विद्यारण्य स्वामी नाम के एक संत ने मुसलमानों से मुकाबला लेने के लिए, उनकी मुखालिफत करने के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुसलमानों के हमलों से एक हिंदू सल्तनत को कायम करने के लिए सुझाव दिया था, इस तरह आम तौर पे किताबों में, बच्चों की किताबों में लिखा जाता है। अभी रिसेंटली देखिए तेलुगु में एक नावल भी आई है, विद्यारण्य विजयमु, का मतलब विद्यारण्य की जीत। अच्छा, जीत कैसे है कि एक इनके सुझाव से हरिहरा और बुक्का ने एक हिंदू सल्तनत को मुसलमानों के मुखालिफत में खड़ा किया, इनके लिए ही उन्होंने इनकी बात को मान के उसको खड़ा किया, तो वो लंबी देर वो सल्तनत चला, इसलिए विद्यारण्य स्वामी का वो एक जीत है। अच्छा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेलुगु में एक और मशहूर आदमी है, उन्होंने महम्मदीय महायुगमु नाम की एक किताब लिखी है, उसमें विजयनगरा सल्तनत का एक चैप्टर है, उसमें इन्होंने ऐसी बात लिखी, अगर उस दौर में विजयनगर सल्तनत कायम नहीं होती, हो सकता है पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में आता और पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू ही नहीं बसते, का मतलब पूरे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए ये बातें जो हैं ये आजकल पॉपुलर किया जा रहा, पहले भी किया गया, जो कॉम्युनल हिस्टोग्राफी आपके यहाँ बहुत पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है। अभी कॉम्युनल हिस्टोरियोग्राफी मतलब फिरका परस्ती, फिरका परस्ती से लिखने जाने वाली तारीख नवीसी, बिल्कुल आपने सही है, और ये कोई नई चीज नहीं है, अभी थोड़ा बढ़ गया ज्यादा, आजकल हम लोग देख रहे हैं ज्यादा बढ़ गया। तो ये नॉवल जिसकी आपने जिक्र किया, मुझे तो खैर नहीं आती है तेलुगु, लेकिन आपने पढ़ा है, तो ये नॉवल ठीक है कि इम्पैक्ट डालेगी थोड़ी सी लोकल मासेस में, लेकिन हिस्ट्री वाले लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ आपके सवाल का, जो हिंदू और इसकी बात किया, आप ये देखिए कि ये जो पीरियड है जिस पीरियड में हरिहरन बुक्का अलग हुए हैं, एक हुकूमत किया है, ये अकेले हरिहरन बुक्का नहीं है, इसी पीरियड में दिल्ली के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ रिवोल्ट करने वाले और भी लोग हैं, बगावतें हो रही है, मदुराई में हो रही है जी, मदुराई में जलालुद्दीन अहसन ने इसी पीरियड में अपने को 1333 में जो एस्टैब्लिश कर लिया, तो वहां पर कौन सा हिंदू मुसलमान चल रहा था जी, दोनों मुसलमान थे। यही आपके कुछ दिन के बाद मेहमानी आती है, आपको मालूम है अच्छे से, तो वहां पर कौन सा मुसलमान और हिंदू चल रहा था, दोनों मुसलमान थे। तो पॉलिटिकल बादशाहों को आप उसके मजहब से मत देखिए। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि भाई रिवोल्ट है बादशाह के खिलाफ, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का जंग नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अपने सियासी, बिल्कुल बिल्कुल सियासी, अपने खानदानों को, अपने सल्तनत को खड़ा करने के लिए ये आपस में लड़ रहे थे, बिल्कुल सही, और दोनों के आर्मी में हिंदू भी मौजूद थे, बिल्कुल, और मुसलमान भी मौजूद थे। अब के एक सपोर्ट है भाई, अगर ऐसी बात होती तो क्या विजयनगर के लोगों में आपस में झगड़ा नहीं हुआ है? ये तो कॉमन चीज थी। ये तो आप बादशाह अगर है तो आपको बादशाह का धर्म होता है कि अपनी गद्दी को बचाए, आप बड़े बादशाह उसी वक्त बनेंगे जब दूसरे बादशाह को हराएंगे। आप सोचेंगे मैं अकेला दो कमरे में बैठ के बादशाह, बड़ा बादशाह हूं, तो बड़ा बादशाह आप नहीं बन सकते। ये उसका धर्म है, उसका मजहब है, उसको ये उसकी बेसिक चीज है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ थ्रोन जो है ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपने सल्तनत को बचाने के लिए उनसे मुखालिफत करेंगे, हम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म के लिए धर्म उनसे लड़ाई
नहीं कर रहे थे। वो वही बेसिक था कि हमको लेना। आप ये सोचिए कि आप हरिहरन बुक्का की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट ये है, ये जो सोर्सेज बता रहा है कि हरिहरन बुक्का को बाकायदा भेजा गया था कि आप भेजिए लोकल आदमी को गवर्नर बना करके, मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा इनको कि आप गवर्नर बना के ऐसे, चूँकि रिवोल्ट बहुत जगह चल रहा है तो ये शायद लोकल आदमी जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता। विजयनगर सल्तनत के कायम होने के सिर्फ 11 साल बाद यहाँ एक और हुकूमत कायम हुई थी, बहमनी हुकूमत, जिसके बारे में हम दूसरे गुफ्तगू में खुलासे में उसका डिस्कस करेंगे बेहतर। लेकिन इन दोनों के बीच में लगातार जंग होते थे, वजह क्या थे? देखिए, एक तो जो लड़ाई का मेन, क्या एक ही वजह था, वजूहात काफी थे? नहीं, मैं जो सबसे बड़ा जो हम लोग मान रहे हैं, रायचूर दुआब जो अभी आपने जिक्र किया, आपने ऐसा सीमा का आपने बात किया और कैसे, तो ये रायचूर दुआब का जो हिस्सा है जो कृष्णा नदी के इस पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी पानी के लिए। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हो जाएगा ना भाई, आप किसी भी ऐसे जगह को अपने हाथ में रखेंगे जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये जो लड़ाई थी रायचूर दुआब की थी, कभी आपके पास गया कभी आपने ले लिया, और उसके बाद बात है कि एक्सपेंशन की लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं और हम भी बादशाह और आप भी बादशाह हैं, तो एक्सपेंशन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो एक्सपेंशन कहाँ पर करेंगे, पहले आपको हराएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये लड़ाई थी, लेकिन रायचूर दुआब को हम बड़ा मानते हैं। और ये लड़ाई जो हमेशा है, आप अगर देखिएगा तो बहमन शाह के पीरियड से शुरू हो जाती है, जो पहला इंपॉर्टेंट बादशाह बहमनी का, फिरोज शाह के पीरियड में भी काफ़ी हुआ, फिरोज शाह के में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है बहमनी विजयनगर, तो कभी विजयनगर हारते हैं कभी भी ये हारते हैं। और एक ऐसा वक्त आया कि विजयनगर जो है कई बार लॉस करते गए, और फिर ये वक्त आ गया विजयनगर के लिए कि जब बहमनी का डिसइंटीग्रेशन हो गया, पांच अलग अलग हो गए जिसमें कुतुबशाही, निज़ामशाही वगैरह ये अलग हो गए, तो उस पीरियड में बहमनी बड़ी स्ट्रांग हो गया। अल्टीमेटली इनको इनके खिलाफ, विजयनगर के खिलाफ सबको मिलाना पड़ा कि आप सब आइए हम लोग इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, अदरवाइज हम विजयनगर को जीता हारा नहीं पाएंगे। उतनी बड़ी ताकत थी जी, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि आदिलशाही को कई बार हराया विजयनगर वालों ने, कई बार आदिलशाही को हराया, बीजापुर वाले आदिलशाही कई बार हराया उनको जी। तो अब उनको ये लगा कि भाई ये तो ताकत, तो ताकत तो कभी आपकी बढ़ेगी कभी उनकी बढ़ेगी भाषाओं में, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया कि नहीं, जब ये चार पांच मिल रहे थे इनको मिलाने की, क्या वो मुसलमान होने की वजह से मिल रहे थे? एक जो कार्ड खेला गया, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ जैसे अहम कार्ड खेला गया, उसमें बहमनी का जो बादशाह था महमूद, उसने ये कार्ड खेला था कि वी शुड कम टुगेदर, ऐसा हम सबको इकट्ठे आना चाहिए क्योंकि हम सब लोग हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा इनकी डिफीट हुई थी, मैसेकर हुआ था, तो एक फीलिंग आई थी कि हम मुसलमान और हिंदू, क्योंकि वार जब आप लड़ते हैं तो वार लड़ने का तरीका दूसरा होता है, आप कोई भी चीज़ को तो आप कुछ भी करके वो दुश्मन को हराएं, आप जहाद का फतवा दीजिए, आप इसका फतवा, जो माखज आप ट्रैवलर्स की बता रहे थे, इसमें मैंने देखा कि बार बार बहमनियों ने विजयनगर पे जिहाद ऐलान कर रहे थे। ये जिहाद का वर्ड जो आता है ये क्यों आता है, देखिए आप ये समझिए, ये आज नहीं, ये मोहम्मद बिन साम के वक्त में देखिए, कंसेप्ट क्या होता है कि आप अपने आर्मी को कैसे मोबालाइज करेंगे। आपने कहा कि देखो तुम मुसलमान हो, जीत गए तो गाजी और हार गए तो शहीद, दोनों में तुमको ये है, तो इसका मतलब मजहब का गलत इस्तेमाल करना है? नहीं, मतलब ये कि वो देखिए हम मोटिवेट कर रहे हैं, आप बादशाह हैं, अपने इसको ताकत लगा रहे हैं। नहीं, आप मोटिवेट तो कर रहे हैं लेकिन मजहब का तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अगर वैसे आप देखिएगा तो किलिंग इटसेल्फ इज गलत, अगर आप किसी भी इंसान को मार रहे हैं तो वैसे पूरी पूरी किसी और किसी मजहब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है जी, किसी भी मजहब में इजाज़त नहीं ना कि भाई आपके मजहब की और दूसरे मजहब की बात नहीं, ये तो कोई भी मजहब अलाउ नहीं कर रहा कि जाके आप 100 आदमी को मार के चले आइए, 500 आदमी को मार के चले जाइए, तो वो तो अलाउ ही नहीं कर रहा, तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हिस्ट्री में हो रहा है हम उसको देखेंगे। लेकिन देवराया का अगर आप तारीख देखेंगे, जब उसने मुसलमानों को अपने लश्कर में शामिल करना शुरू किया तो वो अपने दरबार में एक कुरान पाक को वहाँ ऊंचे दर्जे पे वहाँ टेबल पे रखता था। और तो इससे कंपेयर करने पर क्या आपको लगता है कि हिंदू लोग ज़्यादा इस्लाम को नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखते थे, ऐसा नहीं देखता, और मैं ये तो इंडिविजुअल पर वैरी करता है,
जी, आप कैसे बादशाह हैं, आपकी क्या जहनियत है, वो वैरी करता है। अकबर की अलग जहनियत है और उसी के खानदान में औरंगजेब की अलग जहनियत है, तो जहनियत तो चेंज होगी ना। वो कोई जरूरी नहीं कि एक बादशाह जो करे वही सब बादशाह करे, हर बादशाह की अपनी पहचान होती है, अपनी पहचान होती है। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कुरान वाली, वो एक बादशाह का एग्जाम्पल है, वो रिस्पेक्ट करता है उसके। एक बादशाह जो बहुत लिटरेरी आदमी है, आप देखिए कि सारे इंस्क्रिप्शन में कृष्णा देवा राय और उसकी वालदा के बारे में इतने अच्छे अल्फाज लिखे गए हैं, कभी भी उनके बारे में उनकी वालदा की बड़ी इज्जत की गई। तो अब हम आएंगे कि किस जंग से विजयनगर सल्तनत की जवाल या तबाही हो चुकी है। ये एक बड़ी मशहूर लड़ाई है, बैटल ऑफ तालिकोटा की लड़ाई, जो तालिकोटा या राक्षसा तंगड़ी जो दोनों कहते हैं, पॉपुलर वर्ड जो है तालिकोटा। हाँ। किताबों में ज्यादातर जो मिलेगा, लेकिन आप किस साल में हुआ ये? 1565 में। हाँ। विजयनगर सल्तनत ये एकदम डिसाइसिव फैक्टर था। हाँ। ये पूरी तरह से इनको डिफीट कर दिया, उसके बाद इनके पास उठने की ताकत नहीं रही। हालांकि वो रहे, हुकूमतें होती रही, हालांकि लोग ये बोलते हैं कि उसी के बाद जो है मुसलमानों ने आग लगा दिया और आग लगा के हम्पी को ख़त्म कर दिया। लेकिन नए रिसर्चर्स जो आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कि उसमें लोगों ने बताया कि नहीं, उसके बाद कुछ दिन रहे हैं इनके। हाँ। आपसी लड़ाई के बाद फिर इनके वो होते हैं। ये तो बहुत सारे लोग, फिलिप बी बैगनर, रिचर्ड ईटन और बहुत सारे लोग, रिचर्ड ईटन अभी नए कुछ रमनैया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, आपने इतने अच्छे अंदाज में हमारे स्टूडेंट्स को विजयनगर सल्तनत की सियासी तारीख को इतने कम वक्त में समझाया, इसके लिए हम आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया पेश करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आपने विजयनगर सल्तनत की सियासी तारीख को समझे होंगे। विजयनगर सल्तनत की आगाज 1336 में हुई है, ये तकरीबन 200 साल से ज़्यादा ये हुकूमत चली, इस पे चार खानदान के लोग हुकूमत किए हैं। ये एक वोर दिल्ली सल्तनत से टकराव लेते थे, दूसरी वोर 1347 में जो बहमनी सल्तनत कायम हुई उनसे टकराव लेते थे। इनमें मशहूर बादशाह देवराया सेकंड और श्री कृष्ण देवराया हैं, और इनके माखज के बारे में भी दानिश मोइन साहब ने आपको अच्छे से समझाया। विजयनगर सल्तनत की सियासी तारीख के बारे में अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आप प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री की ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसमें एक बाब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह माखज आप पढ़ना चाहेंगे तो रॉबर्ट सीवेल की फॉरगॉटन एम्पायर, इस किताब को आप देख सकते हैं। और बहुत सारे किताब हैं, जो मजीद जानकारी के लिए आप डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से राबता कायम रख सकते हैं। आने वाले गुफ्तगू में हम विजयनगर सल्तनत या विजयनगर दौर के सामाजिक हालात, माशी हालात, तहजीबी हालात वगैरह चीज़ों को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक इजाज़त, आदाब।